मेरी आवाज आप सब लोगों तक आ रही है। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, जब तक मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि एंकर इतनी तारीफ करती है उन्होंने, और जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता एक एंकर को, जब तक उसको पता नहीं चलता कि उसको कितनी मोहब्बत मिल रही है। मगर यहाँ लेकर आने तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा नाम माया विना शाह खान है, एज पर माई आई डी और पासपोर्ट। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? अच्छा, ठीक, ग्रेट। लोग कुछ मुझे प्यार से और नफरत दोनों से माया खान कहते हैं, लेकिन फोकस मेरा उन पर है जो मुझे प्यार से कहते हैं। आज मैं कैंपस वो ना सही, लेकिन स्कूल वो है जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, बीकन हाउस। आई एम अ बकिनियन, आई एम अ बीकनियाई। सो इट इज़ एन ऑनर आपकी सारी टीम के लिए, बहुत ही पजीराई भी, इसलिए भी तारीफ भी, और झूठी नहीं होगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि यहाँ पर जो भी आता है वो सच बोलकर ही जा सकता है, वरना वो यहाँ तक पहुँचता नहीं। मुझसे पहले जो स्पीकर आए या मुझसे बाद आने वाले जो भी लोग हैं, उन्होंने अपनी दिल की बात कही। मैंने जब पूछा उम्मे और उनकी पूरी टीम से कि मुझे आप क्यों बुला रही हैं, क्या वजह है मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है, तो क्या चाहेंगी, मैं क्या बात करूँ, तो उन्होंने और उनकी टीम की साथी ने कहा कि बस आप जो दिल से बोलती हैं। मैंने कहा मेरे दिल की बहुत सारी बातें लोगों को भारी भी पड़ जाती हैं, कि आप उसके लिए तैयार हैं? तो मुझे नहीं पता आप लोग किस चीज़ के बारे में चाहते हैं मैं बात करूं, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से कुछ शेयर करना चाहूं तो वो सिर्फ ये होगा कि ज़िंदगी की शुरुआत की ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी लोग नहीं जानते। मेरी ज़िंदगी के बहुत आस्पेक्ट्स लोग जानते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का बचपन नहीं जानते। वो बचपन जब मुझे इसी स्कूल में, एक और कैंपस में, मेरी वालदा अपने हाथ में मेरी उंगली पर स्कूल छोड़ कर जाती थी, और बच्चों को देखकर मैं कहती थी अम्मा ये सब रो क्यों रहे हैं, वो कहती थी पता नहीं शायद अम्मा ने उनकी डांट के भेजा हो। तो मैं उनको शायद देखती होंगी कि डांटती तो मेरी अम्मा भी है मुझे, तो मैं रो कर क्यों नहीं जा रही। लेकिन उसी हाथ ने ज़िंदगी को चलना सिखाया, उसी हाथ ने ज़िंदगी की तमाम हालात से गुजरना सिखाया। उन्हीं हाथ की जुदाई मैंने अभी हाल ही में देखी है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी की नशेब व फराज से गुजरने का सलीका सिखाया। बचपन बहुत अहमियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है, यकीन मानिए। आप लोग मुख्तलिफ एज ग्रुप से इस वक्त गुजर रहे हैं, अलग अलग उम्र के हिस्सों के मसाइल, तमाम चैलेंजेस को देख रहे हैं, और मैं बखुदा आपके चैलेंजेस और तकालीफ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती, क्योंकि इस वक्त उस दर्द से, उस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं। मैं ये तो ज़रूर कह सकती हूँ कि हाँ, एक फलां फलां वक्त में मैं इस तरह के दर्द से गुजरी ज़रूर थी, लेकिन जैसे कि किसी चीज़ की वैलिडेशन का टाइम होता है ना, ऐसे दर्द और तकलीफ और खुशी का भी एक वक्त होता है। वक्त अगर नहीं होता तो खुशियाँ बांटने के लिए कम होता है, वक्त नहीं होता तो एक दूसरे की पजीराई करने के लिए कम होता है, वक्त अगर बहुत होता है तो अपने आप को ये सोच कर कि भाई अल्लाह मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सका, वो देखो कहाँ पहुँच गया। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मेरी भी तो एक जर्नी है, मेरा भी तो एक सफ़र है, मेरी भी तो एक मंजिल है। मैं भूल जाऊँ कि मुझे क्या गुजरना पड़ रहा है, और मैं ख्वाब देखूँ उस चीज़ के कि मुझे पहाड़ों पर राज करना है, और ये ना देखूँ कि पत्थरों से गुजरना पड़ेगा। गुजरे बग़ैर, तकलीफ से गुजरे बग़ैर, इम्तिहानात दिए बगैर तो रिज़ल्ट नहीं आता, और जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है मैंने मेहनत क्यों की, क्योंकि मेहनत करना मेरे हाथ में है, रहमत देना सिर्फ उसकी ज़ात में है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों के सामने, मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरी फैमिली फ्रेंड्स यहाँ बैठे हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं,
उनको पता है कि मैं ये सोच कर नहीं बोल रही, लेकिन जो बखुदा दिल में आ रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ज़िंदगी के वो तमाम चीज़ें, मैं आपको एक छोटा सा एक वाक्य सुनाने की कोशिश करती हूँ मुख्तसरन, क्योंकि आसान नहीं होता पूरी ज़िंदगी का एक चैप्टर भी बताना। हमारे घर में हम सब काम करते थे, वालिद साहब मेरे सफ़ीर थे। जब उनकी सिफारत चली गई थी तो उसके बाद हमारे माली हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। हमारी वालदा ने बहुत सलीका शुवार ज़िंदगी गुजारी, कम पैसों में, कम चीज़ों में, कम वसाइल में अच्छी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन जब वो एक सफ़ीर की बेगम थी तो उन्होंने बहुत एंटीक जमा किया था। अब एंटीक तो उन्होंने जमा कर लिया, पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन रखे कहाँ? एक सिर्फ प्लॉट था। आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दीवार पर एक शीट लगाई, वो थी टीन की, और दूसरी तरफ लगाया सहारा, और उसके अंदर वो खूबसूरत माहौल बना दिया कि बखुदा आज के वक्त में भी क्या बड़े से बड़ा कोई रेस्टोरेंट या म्यूज़ियम होगा। हम टीन में रहते थे सारे बहन भाई, और उसके बाद जब बारिश होती थी तो सारे बहन भाई एक दूसरे के साथ मुकाबला करते थे कि बारिश में किसकी बकेट, बाल्टी, पतीली या पॉट में ज़्यादा पानी है। बड़ा मज़ा आता था, यकीन मानिए। बिल्कुल दुख नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस पानी भरने ने ज़िंदगी के हर बाल्टी, हर वज़न, हर सैलाब, हर बारिश, हर तूफान को देखना और समझना और उससे लड़ना सिखा दिया। यकीन मानिए, गर्मी होती थी तो हमारे पास दरवाजे उस वक्त नहीं थे, तो सामने मैदान में जो नल का पानी आता था, वालदा उस ज़मीन पर पानी डाल दिया करती थी और मलमल के पर्दे डालकर उस पर पानी छिड़क दिया करती थी कि हवा आए तो अंदर ठंड महसूस हो। माँ, वालदैन, घर वाले आपको वो बता और सिखा देते हैं बखुदा कि हम जब अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमें ये कहाँ से आ गया। ये कहीं से ही नहीं आया, ये वहीं से आया है जो यहाँ से आया है, और यहाँ से जो आता है वो कभी टेम्पररी नहीं होता, यहाँ से जो आता है वो कभी झूठा नहीं होता, यहाँ से जो आता है वो देर पा होता है। मैं सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन एक चीज़ सीख ली कि हिम्मत नहीं हारी। अब आते हैं शुक्रिया। अब आते हैं उस चीज़ पर कि या अल्लाह ये क्या माजरा है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ की एक उम्र होती है, और हर चीज़ का एक तरीका होता है। मान लिया तरीका होना चाहिए, लेकिन उम्र का ताल्लुक कुछ हासिल करने से समझ नहीं आता। कुछ हासिल करने के लिए उम्र की कैद, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उम्र की कैद, अपने आप से सच बोलने के लिए उम्र की कैद, पूरी ज़िंदगी हम लगा देते हैं, एक चीज़ करते हैं और कहते हैं रिज़ल्ट डिफरेंट हो। अब मैं बना रही हूँ चाय, लेकिन डालती हूँ उसमें नमक, और मैं ये सोचूं कि ये मीठी क्यों नहीं बन रही, बिकॉज सेम रेसिपी सेम रिजल्ट्स। नमक की जगह शक्कर डालेंगे, डिफरेंट रेसिपी डिफरेंट रिजल्ट्स। दैट इज द ओनली रीजन कि मैं अगर ये सोचूं, या आप में से कोई भी ये सोचूं कि बार बार मैं ज़िंदगी के एक ही मोड़ पर आकर क्यों फंस या जाती हूँ या जाता हूँ, इसलिए कि हम लोग प्रैक्टिस सेम कर रहे हैं। यस और नो? आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं वाकई में कि यार आज क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा, क्यों फलाने हमें ऐसी बात कह दी? कहीं ना कहीं मैंने और आपने वही रेसिपी, वही तरीका, वही डायरेक्शंस, वही इंग्रेडिएंट्स डाले थे, तो वो मीठा कैसे होता? उसको तो कड़वा ही होना था। तो यानी कि चेंज शुरू होता है मुझसे वो चेंज होना ज़रूरी है, वो मोहब्बत होना ज़रूरी है, वो चाहत होना ज़रूरी है, वो इज्जत होना ज़रूरी है जो मैं लोगों की आंखों में अपने लिए देखना चाहती हूँ। मैं खुद से अपने आप से प्यार ना करूँ और मैं उम्मीद रखूँ कि आप मुझसे प्यार करेंगे। मैं अपनी इज्जत ना करूँ, आज मैंने वो बात कही है जो आज तक मैंने कभी शेयर नहीं की, क्योंकि एक
मैं चाहती थी कि कुछ अलग आप लोगों के साथ शेयर करूं। दूसरा, मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी पे ज़रा बराबर शर्मिंदगी नहीं, फ़ख्र है कि मैं ऐसे माँ बाप की औलाद हूँ। पहले आप हैं, आपकी अपनी अहमियत आपके लिए क्या है? सुबह उठते ही आपके लिए इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है? क्या उस सेल फोन की है जिस पर आपके लिए किसी ने मैसेज दिया हो, किसी ने आपकी पोस्ट को लाइक किया हो, किसी ने आपकी पिक्चर को देखकर कोई कमेंट किया हो? या सुबह उठते ही सबसे पहले जब आप अल्फा स्टेट में होते हैं तो आपके अंदर एक चीज़ हो कि शुक्र है, व्हाट अ ब्यूटीफुल चांस ऑफ हैविंग अनदर डे, अनदर चांस टू लाइफ, टू हैप्पीनेस, टू फैमिली, टू ग्रैटिट्यूड, टू सो मच इन लाइफ, एक और मौका, कौन रुक रहा है आपको? हम खुद, मैं और आप अपने आप को खुद ही रोक पाते हैं। और यकीन मानिए, ये ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने कोई कहीं से पढ़ लिया, मैंने खुद अपने आप को जिंदगी में बहुत दफा रोका है, छोड़ दो, रहने दो, ऐसे ही रहने दो। लेकिन क्या करें, अंदर एक कोई है आग जो बुझती नहीं है। वो आग ऐसी है कि कुछ करने के लिए हिम्मत भी देती है, वो चैन से बैठने नहीं देती। बिकॉज एक चीज़ कहीं किताब में पढ़ी थी कि व्हाट, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। इम्पल्सिवनेस, एंगर, सडन रिएक्शंस, गुस्सा, झुंझलाहट, गम, आंसू, कोई भी एक चीज पर अगर आप जिस तरह रिएक्ट करेंगे, आप हर चीज पर वैसे ही रिएक्ट करेंगे। अब ये आपकी मर्जी है दैट वो वन थिंग आपकी कैसी होगी, बिकॉज जैसे एक चीज होगी वैसे ही बाकी चीजें भी होंगी। क्या आप मुझसे इत्तफाक करेंगे इस बात से? थैंक यू। तो बखुदा जिंदगी बहुत लंबी जीने की जो हमारी कहानी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस कहानी में। मुझे नहीं पता मेरे पास अभी वक्त कितना है, मैं मुख्तसरन भी कर सकती हूँ, क्योंकि एंकर्स का ये फ़ायदा होता है कि वो टाइम के ऊपर बंद हो जाते हैं, अपना जो है ना, मतलब दुकान बंद हो जाती है। सो ग्रेट, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी को अपनी थोड़ी बेहतर बना सकें, मेरे तजर्बे से सीखिए। वो नौजवान जिनके पास मेरी वाली एज से वो पहले हैं और वो देख रहे हैं मुझे, कोशिश कीजिए, मिस्टेक्स करें, लेकिन नई मिस्टेक्स करें। ऐसा कोई दुनिया में अगर आपको किसी ने कह दिया है, अरे तुम इतनी समझदार हो कि गलती कैसे कर सकती हो, तो किसने कहा था दुनिया में, किसने कहा था आने से पहले कि ये पूरा बेड ऑफ रोजेस होगा, आप गलतियां नहीं करेंगे? हाँ, गलतियां रिपीट ना कीजिए, नई गलतियां कीजिए, खुश रहिए, गलती करके फिर आगे बढ़िए। अरे भाई वाह, जिंदगी में मजा आ गया ये गलती करके, कुछ सीखने को मिला। अपनी चीज़ें दूसरों पर ना लादें प्लीज़, अपने ख्वाहिशात और अपनी सोच दूसरे को, तुम मेरे हिसाब से इस तरह करो, भाई अपना हिसाब तो सही कर लें हम पहले, फिर किसी और का हिसाब सही करेंगे। मेरे और आपका हिसाब वो ही लेगा, लेकिन इस वक्त जो हमें हिसाब रखना है वो अपना रखना है। आप लोगों की मैं मुख्तसर करूँगी क्योंकि लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।